बसपा प्रत्याशी पंकज जौली जी, आइए इनसे जानते हैं इनके चुनावी मुद्दे क्या हैं, किन किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव मैदान में उतरे हैं। पंकज जी, आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं और जीतने के बाद आपकी क्या क्या प्राथमिकताएँ होंगी? क्योंकि शहर विधानसभा जो है ये आज भी 85% अशिक्षित है, हिंदू बहुल्य क्षेत्रों या मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों जहाँ लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, अधिकतर लोग अशिक्षा यानी शिक्षा को नहीं पा पा रहे हैं। मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कम से कम 15 से 20 स्कूल अपने विधानसभा को दिए जाएंगे, या सस्ती फीस और अच्छी शिक्षा, ये हमारा मुख्य चुनावी एजेंडा रहेगा। आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं, भाजपा, सपा, कांग्रेस या राष्ट्रवादी? वो पुरानी कहावत है कि ना कहो से दोस्ती ना कहो से है, ये हमारी अपनी करनी, हमारा अपना काम, हमारा अपना सिस्टम है। हम तो अपनी बात को जनता तक कहेंगे और हमारा मुकाबला किससे भी नहीं हो, मुकाबले के हम पूछते नहीं है। हमारा काम कर्म करना है, बाकी उसका काम है हमारे को जीत हार प्रदान करना। जैसा कि आपने देखा और सुना, ये थे पंकज जौली। बाकी तो आने वाली 11 फरवरी को जनता तय कर ही देगी कि उनका लोकप्रिय नेता कौन है और कौन जीत कर विधानसभा जाता है। रिक्की कर्णवाल, देवभूमि न्यूज़, मेरठ।